एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, अगर हम लोग लिपस्टिक लगाते हैं तो कभी भी हमारी लिपस्टिक जैसे परफेक्ट शेप में नहीं लगती है, तो हमको क्या करना चाहिए। अगर आपकी लिपस्टिक इधर उधर आपके लिप का जो आउटलाइन है इसके बाहर आ जाती है, तो आपको क्या करना चाहिए। जिसमें ज़्यादातर हम लोग जब ब्राइडल मेकअप करते हैं तो पूरा मेकअप कंप्लीट होने के बाद हम लोग लिपस्टिक अप्लाई करते हैं तो इधर उधर लिपस्टिक फैल जाती है। फिर उसको जब रिमूव करते हैं तो हमारी जो लिपस्टिक होती है उसके साथ साथ हमारा मेकअप भी निकल जाता है। तो आपको क्या करना है, वीडियो होने वाली काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल, तो वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो मैं यहाँ पे बुलेट लिपस्टिक यूज करने वाली हूँ। इससे पहले मैंने बुलेट लिपस्टिक जो हमारी फैल जाती है, जैसे कहीं हम लगाते हैं तो वो दूसरी जगह चिपकती है, उसको कैसे आप मेट बना सकते हो और आपकी लिपस्टिक बुलेट लिपस्टिक को लिक्विड लिपस्टिक जैसे कि वाटरप्रूफ हो जाती है, उसको टच करो तो लगती नहीं है, वैसे करने के लिए मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया, तो आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं अपनी लिपस्टिक को अप्लाई कर ले रही हूँ। तो आपने भी इस तरीके से लिपस्टिक अप्लाई कर ली है, बट जो आपको शेप चाहिए था वो नहीं मिला हुआ है, कहीं यहाँ से निकल जाता है, कभी यहाँ से निकल जाता है। जैसे कि मान लीजिए मेरा निकला नहीं है, बट मैं बता दे रही हूँ, कहीं आपसे अगर हो जाया था तो ये देखिए, तो इस तरीके से कई बार हमारी जो लिपस्टिक होती है वो आउट एरियाज पे लग जाती है। तो आपको क्या करना है, इसको रिमूव नहीं करना है, आपको पहले इसको हल्के हाथों से इस तरीके से कर लीजिए या फिर कॉटन से कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लेना है अपना कंसीलर आपके स्किन से मैच होता हुआ, और फिर आपको जो भी अपने लिप्स का शेप देना है वो आप दे दीजिए आराम से। इस तरीके से आप इस तरीके से आप अगर अपने लिप्स को शेप दोगे तो आपका जो मेकअप है वो भी ख़राब नहीं होगा, एंड आपकी लिपस्टिक जो आउटर एरिया पे लगी थी वो भी अच्छे से हो जाएगी, मैनेज हो जाएगी। दैट्स इट। तो जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट था वो हमने यहाँ पे कवर कर लिया, उसके बाद से आप अपने लिप्स को अच्छे से शेप दे सकते हो। पाउडर से अपने जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आपने लगाया है उसको सेट कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर आपका भी लिपस्टिक बिगड़ जाता है तो आप उसको शेप में ला सकते हो। और देखिए सारा जितना भी मेरा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लगा था वो अच्छे से यहाँ पे हट चुका है। लिपस्टिक को ऑर्डर करनी है तो कर लीजिए, बट जब दोबारा लगाओ तो आपने जो शेप बनाई है उसके अंदर अंदर ही लगाइएगा। तो कहीं से भी अगर आपकी लिपस्टिक फैल जाए मेकअप के बाद से, तो आप इस तरीके से कंसीलर से, अगर आपके पास इस टाइप का कंसीलर नहीं है तो आप कंसीलर को थोड़ा सा हाथ पे ले लो, एंड पतला वाला जो ब्रश होता है उसकी मदद से आप अपने लिप्स को शेप दे दो, और जहाँ जहाँ आपने शेप दी है वहाँ पे फेस पाउडर जो भी आप पाउडर है आपके पास उसके ऊपर ज़रूर लगाएं, जिससे कि आपका लिपस्टिक लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, कहीं से भी फैलेगा नहीं और बहुत अच्छा लुक आ जाएगा आपके लिप्स का। तो आई होप कि आज की वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही हो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए मुझे सपोर्ट करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टिप्स के साथ, नेक्स्ट मेकअप टिप्स एंड ब्यूटी हैक्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।